फाकर साहब देखिए, जिनको साहब कह रहे हैं इफ्तिकार चौधरी, उनके मैं कारनामे जरा आपको बता दूं। छवाड़ हाउस था मुंबई का, जब वो 10 आतंकवादियों को डायरेक्शंस दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बंदा चल रहा हो, जहां दिख रहा हो उसको ठोक दो, उसको मार डालो। ये ऑडियो क्लिप है जो कल यूएनएससी की बैठक में सुनाई गई है। पंकज देखें, मेरे ख्याल टेरर कहीं पे भी हो, वो हिंदुस्तान के ताज होटल में हो, वो न्यू दिल्ली में हो, वो इस्लामाबाद में हो, या वो काबुल में हो, मेरे ख्याल टेरर टेरर है, और उसको एज ए टेररिस्ट या एज ए टेररिज्म लेना जरूरी है। हमें सबसे पहले ये बात समझने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में किसी के ऊपर हमला होता है तो हम तो कहें कि हाँ यार वहां हुआ है, लेकिन अगर वही चीज पाकिस्तान में हुई तो हाफिज सईद को लेकर क्या किया पाकिस्तान ने? मैं बता देता हूं, हाफिज सईद का मसला जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ये बात पता चल गई। जिस तरह जनरल साहब ने एफएटीएफ की बात की, तो एफएटीएफ की वजह से ठीक है हमने 4 साल ग्रे लिस्ट में गुजारे, लेकिन जो चीजें अच्छी हुई मेरे ख्याल में वो यही हुई कि कम से कम इस तरह के लोगों को साइड लाइन करना पड़ा। बेशक वो हिंदुस्तान का प्रेशर था, अमरीका का प्रेशर था, या एफएटीएफ का प्रेशर था, जिसकी वजह से भी था, लेकिन हमारी चीजें स्ट्रीम लाइन हुई और वो पाकिस्तान को करनी होती, आज ना होती तो आज के 5 साल बात करनी होती। चले अगर 5 साल पहले कर ली तो मैं कहता हूं कि ये ज्यादा बेहतर बात है, बजाय इसके कि आप इस तरह के लोगों को पालते हैं और कहते हैं कि ये शायद आपके एसेट्स हैं। ये एसेट्स नहीं है, ये लायबिलिटीज हैं। वो जितने भी लोगों के नाम लेते हैं, ये हो या इनके अलावा कोई हो, वो लायबिलिटीज होती है, और वो लायबिलिटीज कभी ना कभी आपको पे करनी पड़ती है, उसका हिसाब किताब आपको देना पड़ता है। वो कभी TTP की सूरत में, कभी ISIK की सूरत में, और कभी जो है अफगान तालिबान की सूरत में। मेरे ख्याल में ये चीज हमें बड़ी क्लियर है और हमें समझनी भी चाहिए, और शायद समझ आई है, देर से आई है लेकिन समझ आई है। कश्मीर के हालात आपको पता है कि इंडियन साइड के कश्मीर के हालात पिछले 2 सालों से बेहतर हुए हैं। आप लोगों का एक इल्जाम होता था कि पाकिस्तान टेरर बेचता है, टेररिस्ट को बेचता है और वहां पे सपोर्ट करता है, ठीक है, इंसर्जेंसी को। ठीक है, वो कितने हालात बेहतर हुए मैं जनरल साहब से जरा जानूंगा, लेकिन जरा सुंदुस आपके पास मैं आना चाहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रे लिस्ट से बाहर है, वो बाढ़ का रोना पूरी दुनिया कह रही कि बाढ़ का रोना रोआ पाकिस्तान ने, लिहाजा वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ गए, लेकिन क्या सारे पाप धुल जाते हैं ग्रे लिस्ट से बाहर आने से? नहीं बिल्कुल पंकज साहब, मैं दो बातें इस हवाले से करना चाहूंगी। मतलब एक तो ये कि आपकी पहली बात का जवाब ये कि किसी का टेररिस्ट दूसरे का फ्रीडम फाइटर होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। योर टेररिस्ट माइट बी माई फ्रीडम फाइटर, ठीक है। आपने कुलभूषण को अवार्ड दिया जो कि हमारे लिए टेररिस्ट है, जिसने खुलम खुला यहाँ पर आकर जो है वो अटैक किया था, आपने उसको अवार्ड दिया, ठीक है। वो हमारा टेररिस्ट था, आपका वो फ्रीडम फाइटर था, सो दिस गोज हैंड इन हैंड। आप ये नहीं कह सकते जो आपका टेररिस्ट था हमारा फ्रीडम फाइटर नहीं होता था, लेकिन हाफिज सईद कोई भी नाम हो, जिसको लेकर पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है, वो हमारा कभी भी हीरो नहीं हो सकता है। जिसको लेकर किसी भी इंसान को लेकर पाकिस्तान कहीं भी दुनिया में बदनाम हो रहा है ना, तो हमारी, जैसे मेरे पाकिस्तानी फैलो ने कहा, हमारी लाइबिलिटी हो सकती है, हमारी को मजबूरी हो सकती है, वो कभी भी हमारा हीरो नहीं हो सकता जिसको लेकर। टेरर कहीं भी हो, टेरर टेरर होता है। हम जो टेरर फेस करें, आप जो टेरर फेस करें, लेट्स वर्क आउट इट टुगेदर, हम क्यों ना उस पर इकट्ठा काम करते ना, ठीक है। हम जितना फेस करें, वी हैव लॉस्ट मोर मेन देन एनी अदर कंट्री इन दिस होल वर्ल्ड। जनरल साहब क्या भारत ने कोशिश नहीं की? जो पाकिस्तान का पैनलिस्ट तमाम लोग ये कह रहे हैं, क्या भारत की तरफ से कोशिश नहीं हुई? बार बार बातचीत, एक टेबल पे बैठ के, अब पाकिस्तान, ये लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, जो पत्रकार कह रही हैं, मुशर्रफ ने खुद कहा है कि ये हमारे हीरो हैं, जी ये हमारे हीरो हैं। किसने कहा? ये मुशर्रफ ने कहा, और चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर का भाई हो, उसका ब्रदर इन लॉ हो, साजिद मीर हो, बाकी ये सारे के सारे, इनको चाइना पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दे रहा है क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के द्वारा उनके सिंचांग प्रोविंस में किसी प्रकार से आतंक फैले। चाइना नहीं चाहता है कि CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई दखल अंदाजी आए। अमेरिका चाहता है कि किसी प्रकार से पाकिस्तान को संभाल के रखा जाए और उसको जनरल साहब कहीं इसलिए तो नहीं, क्योंकि ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया पाकिस्तान, तो अब वो खुले से कहेगा कि अगर हम पे इस तरह के इल्जाम हैं और होते तो हम ग्रे लिस्ट से बाहर ही ना आते। बात ऐसी है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टेररिज्म का डेफिनेशन है वो अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी नहीं डिफाइन कर गया। हमें तकलीफ हो रही है कि टेररिज्म, क्योंकि देयर इज नो यूनिफाइड अप्रोच। टेररिस्ट जैसे वो कह रही है, मोहतरमा बिल्कुल ठीक कह रही है कि किसी का फ्रीडम फाइटर है तो वो किसी का टेररिस्ट है, इसमें पर लेकिन जो टेररिस्ट है उसका कोई रिलीजन नहीं है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, he must be banished, he must be killed, there is no deny. अगर पाकिस्तान उसको 5-star ट्रीटमेंट दे रहा है, हाफिज सईद को और जैसे मसूद अजहर को और बाकी को, दाऊद इब्राहिम के लिए भारत लगातार कह रहा है जनरल साहब पाकिस्तान को, वो तो मानने को तैयार नहीं है। इफ्तिकार साहब जवाब दीजिए, जो बात जनरल साहब कह रहे हैं, अगर आप मानते हैं कि
अगर आप मानते हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता तो टेररिस्ट तो टेररिस्ट है। मैं ये बात करना चाहूंगा, मेरी छोटी बहन ने भी अपने अंदाज में एक चीज की है, देखिए हाफिज सईद साहब के मामले को हमारी अदालतों ने बड़ी जान दुरुस्त पे इसको देखा है। अब आप अगर अपनी अदालतों को आप एहतराम देते हैं तो हमें एहतराम करते हुए क्या तकलीफ होती है? क्या आप समझते हैं कि हाफिज सईद यहाँ कोई आसानी से रह रहे हैं? ये बिल्कुल पाकिस्तान ने इमरान खान की हुकूमत में ये सारा जो सेटअप से निकलने की कोशिश की और इसके जो लवाजमात थे, जो चाहिए थे, उनको असेंबली में पास कराया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? खुदा की कसम, ये हमारे वाकई जिस तरह बहन ने कहा कि हमारे हीरो नहीं है, हमारे हमने एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन हमें कौन नहीं बढ़ने दे रहा? अब जनरल साहब से मैं ये पूछूंगा। नहीं नहीं, इफ्तिकार चौधरी साहब, ये बात इसलिए भी करनी है क्योंकि देखिए अजमल कसाब उसको जिंदा पकड़ा गया था, अदालत में उसको पेश किया गया, मुकदमा चला और फिर उसको सजा हुई। पाकिस्तान ने क्या किया? हाफिज सईद को लेकर लगातार भारत कह रहा है, अब ये साजिद मीर का ऑडियो क्लिप आ गया है, पाकिस्तान कर क्या रहा है? कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से नजर आनी चाहिए। एहतराम कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनरल साहब जो मेरे मुल्क के ऊपर नाजायज इल्जाम लगा रहे हैं उसको भी मैं इस वजह से ये कबूल कर लूं कि ये आर्मी में मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। आर्मी में चला जाता सर, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। 60 साल का आदमी हूं मैं, इनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे, पहली बात तो ये है कि 1971 में हमारे मुल्क को क्यों तोड़ा? नंबर टू, अब जो बलूचिस्तान में इतनी सर दिक्कत ये है कि आप टॉपिक में नहीं रहना चाहते, आप वो पीछे जा रहे हैं। आप उस मैं सिर्फ आपसे इल्तिजा ये कर रहा हूं कि अजमल कसाब को लेकर जो कुछ भारत ने किया चाहता हूं उसके आज मैं बताता हूं। हाँ बताता हूं आप, 9/11 हुआ, 9/11 पे जनरल मुशर्रफ से पूछा गया वहीं पे, वहां जहां पे 9/11 हुआ वो मुल्क अमेरिका में पूछा गया कि भाई हमारी ISI को ये भी नहीं पता चला कि उसामा बिन लादन चंद कदम दूर है, तो जनरल मुशर्रफ ने ये कहा था कि अगर आपको ये नहीं पता चला कि 9/11 आपके बगल में बैठा हुआ सारा कुछ हो गया तो ये तो फेलोर होते इस चीज को आगे बढ़े। ठीक है सर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, मैं जरा सबके पास जाना चाहूंगा। यूसुफ जई साहब, जरा आप बताइए सॉल्यूशन आपको क्या नजर आता है? देखिए बातचीत बार बार एक टेबल पर बैठ के बातचीत होनी चाहिए, आपसी सलाह मशवरे से, चूंकि पड़ोसी मुल्क है सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन भारत जो लगातार कह रहा है, अभी एक ऑडियो क्लिप दिखा दी गई है, पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, इतराज उस बात को लेकर है ना, जरा 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। देखिए हम मानते, जब भी कुछ इस किस्म की चीज होती है तो ये हमारी एक होती है कि हम हर डरमी दिखाते हैं, मानते नहीं है। खैर ये चीजें क्लियर हो जाती है, 2008 का ये वाकया है जो 26/11 का था, अब जाके उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, तो वक्त के साथ क्लियर हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ सिंपल है और वो एक है कि अगर मिलके काम किया जाए तो शायद ये जितने मर्जी सुंदर 10 सेकंड में आप कुछ कह दीजिए अगर कहना चाहेंगे आप, फिर मैं जनरल साहब से आखिरी कॉमेंट लूंगा। जी बिल्कुल, आप अगर खुद भी कहते हैं तो हम भी ये कहते हैं कि टेररिस्ट का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता है, ठीक है? और अगर एक्सट्रीमिज्म कहीं पे किसी भी सूरत में मौजूद है, हम हिंदुत्व कहते हैं, आप इस्लामिक स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच कहीं भी हो, एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच होती है, उसको पाकिस्तान के साथ हर बार मुंहतूक करना बिल्कुल वाइज अप्रोच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।